हेलो दोस्तों, आइए आज आपको हम E2 Error जो कि HP LaserJet M1136 MFP मॉडल में आया है उसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो को शेयर करने ना भूलिए और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं। आइए ये एरर क्यों आता है हम मालूम करते हैं। ये बहुत ही आसान रिजॉल्व होता है एरर। ये जो E2 एरर आपको बता रहा है, सबसे इजी इसका सलूशन ये है कि आप ये वाला चेक करें। यहाँ पर देखिए आपको एक गैप नज़र आ रहा है, तो इस गैप को आप देखें, यहाँ पर इस गैप को यहाँ पे गैप आ रहा है। ये गैप आने की वजह से ये E2 एरर बता रहा है पैनल के अंदर। अब देखिए, अब ये पैनल को मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रेस कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब ये एरर चले जाएगा। अब देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अब ये एरर जा रहा है। अब हम वेट करते हैं इसको देखने के लिए। अब देखिए ये एरर चले गया, अब हमारा प्रिंटर नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। थैंक यू।